हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 3 इंस्टेंटली मेड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। तो पहला जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक है वो है हमारा मसाला सोडा सिकंजी। ये बनाने में बहुत ही आसानी से बन जाता है और पीने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शुगर सिरप डाला है। तो शुगर सिरप हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। शुगर सिरप फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हम घर पर बना सकते हैं। एक ग्लास पानी लेकर के उसमें 5 से 7 चम्मच चीनी डालेंगे और उसे अच्छा बॉईल करके आधा कर लेंगे और ठंडा करके उसे हम फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद जब भी हमें इंस्टेंटली सोडा सिकंजी बनानी हो तो वो शुगर सिरप हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नींबू का रस यानी कि लेमन जूस डालूंगी 2-2 चम्मच। अब आता है हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि इसे और भी ज़्यादा यमी और टेस्टी बनाने वाला है, वो है जलजीरा पाउडर। जी जलजीरा पाउडर जो है वो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो आप इसमें इस डालिए, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। एक तो ये बहुत इंस्टेंटली फूड को हमारे डाइजेस्ट कर देता है और मसाला सोडा सिकंजी अगर बनानी हो तो इसका टेस्ट जो है वो जलजीरा पाउडर से दुगुना हो जाता है। अब हमें इसे एकदम ठंडा ठंडा बनाना है इसलिए मैं इसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर दे रही हूँ। तो ये हमारी आइस क्यूब्स जो है डल गई है। अब हम इसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर डालना है। हमें चिल्ड वाटर सिर्फ 1/2 ग्लास तक फिल करना है और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है इसके अंदर हम डालेंगे सोडा। तो ये हमारी सोडा मसाला सोडा सिकंजी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें लेमन की स्लाइसेस लगा करके इसको चिल सर्व करेंगे और इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मैंगो शेक। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है हमारा मैंगो शेक। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मैंगो लिए हैं और 4 मैंगो की गुठली हटाकर इसको फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इसे एक ग्राइंडर में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने सारा जो मैंगो के पीसेस थे वो सारे इसमें ग्राइंडर में डाल लिए हैं। अब इसके अंदर में चीनी डालनी है हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। एक बड़ा ग्लास हमें दूध का डालकर इसे चर्न कर लेना है। बस ये हमारा मैंगो शेक बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा ठंडा सर्व कर लेते हैं। इसे हम गार्निश कर देते हैं चेरी से और कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता से। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है। हमारा थर्ड ड्रिंक है चॉकलेट मिल्कशेक जो कि देखिए कितना यमी लग रहा है। अब इसे बनाना तो और भी ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 से 2 ग्लास दूध लिया है और इसमें हमें शुगर ऐड कर देनी है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद इसमें मैं चॉको पाउडर डालूंगी। चॉकलेट पाउडर 2 चम्मच डाला है मैंने, बड़ी चम्मच, और आइसक्रीम की 2 क्यूब डालकर इसे चर्न कर लेना है। बस तैयार है हमारा ड्रिंक। अब इसे सर्व करने के लिए हमें ग्लास को थोड़ा डेकोरेट कर लेना है। तो मैं इसे चॉकलेट सॉस से अच्छे से दोनों ग्लासेस को डेकोरेट कर लेती हूँ। तो ये हमारे दोनों ग्लासेस तैयार। इसके अंदर मैंने 2-2 चम्मच डाली है आइसक्रीम। आप अपने फ्लेवर की कोई भी आइसक्रीम डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने वनीला आइसक्रीम ऐड की है। अब हम अपना ड्रिंक इसमें पोर कर देते हैं। देखिए कितना यमी लग रहा है ये। अब इसको और भी यमी बनाने के लिए हम थोड़े से इस पे चॉकलेट चिप्स डाल देते हैं। ये चॉको चिप्स डालने से और भी ज़्यादा यमी लगने लग गया है। तो ये हमारे तीनों ड्रिंक बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तीनों ड्रिंक आपको कैसे लगे मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख करके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।